हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर पायल की दुनिया में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं भी आप लोगों के दुआ से मस्त हूँ, चुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ। तो ये देखिए आज मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। आज नहीं बल्कि डेली ही करते हैं, इनका डेली का काम है ये। मेरे लिए अनार निकालते हैं, मौसमी छीलते हैं और चुकंदर काट के छील के रख के जाते हैं। फिर उसके बाद मैं जूस बनाती हूँ, पीती हूँ और अनार और मौसमी का जूस बना के इनके लिए भी रखती हूँ। फिर इनको वापस बुलाती हूँ तो ये भी थोड़ा पीते हैं। और यहाँ पे मैं देखिए नारियल कट करके पीने जा रही हूँ। सुबह सुबह डेली पीती हूँ मैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे वीडियो में और आगे देखिए आज हमारा दिन कैसे बीता, क्या की मैं। और यहाँ पे नारियल पानी पीऊँगी थोड़ा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो एक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड को पिला रही हूँ, उनके ऊपर मुझे बहुत प्यार आ रहा था तो मैं उनको बोली कि आप थोड़ा पी लीजिए। और यहाँ पे खुशी भी थोड़ा सा पी लेगी, उसके बाद मैं पीऊँगी। तो चलिए आगे की वीडियो देखिए आप लोग और फुल इंजॉय कीजिए। ऊपर करके पी, वो तुम्हारा पाइप खराब है उसमें नहीं आएगा। निकाल रही हो? नहीं निकल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जूस बनाने जा रही हूँ। ये है चुकंदर, ये देखिए इस तरह से जूस बनाती हूँ मैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं चुकंदर का जूस बनाने के लिए इसमें चुकंदर में जार में थोड़ा सा पानी डालूँगी और ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच छोटा वाला शक्कर डालूँगी थोड़ा, ताकि मीठा लगे। नहीं तो वैसे कड़वा लगता है, पीने को नहीं मन करता है, तो ऐसे अच्छा होता है। तो ये देखिए बन गया। और ये कपड़ा रखी हूँ भगोने के ऊपर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सब सामग्री मैं इसमें निकाल लूँगी, मटेरियल। उसके बाद इसको गाड़ दूँगी खूब अच्छे तरीके से। इसको इतना अच्छे तरीके से निचोड़ना है ताकि पूरा पानी निकल जाए, चुकंदर का पूरा जूस निकल जाए, उसमें कुछ भी नहीं है बचाए। देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से इसको निचोड़ ले रही हूँ अभी। यहाँ देखिए, ये देखिए गोला उसका कितना अच्छा, पूरा रस निकल गया है उसका, उसमें कुछ भी नहीं बचा। तो मैं कचरे वाले डब्बे में डाल दी उसको। अब यहाँ बनाऊँगी अनार का जूस और मौसमी का मिक्सिंग जूस बनाऊँगी। उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा मिक्सी चलाना है, एकदम से नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा चला के फिर उसके बाद इसी कपड़े में गारूंगी मैं उसको, निचोड़ूंगी। इसमें शक्कर नहीं डाली हूँ क्योंकि वो अनार का दाना रहता है ना, तो खुद ही थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। बट लगता है, कभी कभी डाल लेती हूँ, जब नहीं मन करता तो नहीं डालती हूँ उसमें। मतलब मन वाली बात है, जब मन रहता है तो डाल लेती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ मैं। तो इस तरह से मैं जूस बना के पीती हूँ। और
यहाँ पे बैठ गई मैं पीने, थोड़ा पी लूँगी। और ये अनार वाला जूस है, मैं अपने हस्बैंड के लिए रख रही हूँ, वो आएंगे तब पियेंगे, अभी 2 मिनट बाद आएंगे। और सब साफ़ कर ले रही हूँ, मिक्सर वगैरह उसमें कहीं से जूस बनाने में थोड़ा थोड़ा जूस जो रहता है रस उसका वो गिर जाता है, तो साफ़ करके उसको रखूँगी और टेबल भी साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो मक्खी बहुत आती है जूस बनाने की वजह से। यहाँ पे देखिए मुझे मोछे आ गई हैं और ये बच्चे लोग खेल रहे हैं। आप लोग भी अपने बचपन में ऐसा खेला खेले हैं कि नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए यहीं पे लेती हूँ विदा मैं आप लोगों से।